हमारे बीच में सुनीता गौतम जी आइए, हम इनसे जानकारी लेते हैं कि जो इनका जो एक जीवन है वो राजनीतिक तौर पर है या सामाजिक तौर पर है। सुनीता गौतम जी, आपका एसएम न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आप एसएम न्यूज़ के सभी टीम को धन्यवाद करती हूँ कि जो मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आज आप यहाँ आए हो। हाँ, तो उसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। सुनीता जी, आप लोग की जो एक पूरा जो जीवन है जी। आप लोग को सुना है कि आप दिल्ली 6 की हैं जी। दिल्ली 6 एक बहुत मशहूर आया, दिल्ली 6 के नाम पे एक फिल्म भी आई थी जी। तो आपका एक पारिवारिक जीवन कैसे रहा? मेरा पारिवारिक जीवन अपने बच्चों में बहुत अच्छा रहा है और मैं एक समाज से जुड़ी समाज सेवी क्या कि वो भूमि मेरे अंदर है। मैं अपने बच्चों के साथ अच्छा जीवन व्यतीत कर रही हूँ तो मेरे अंदर एक समाज की सेवा के लिए है। अभी जो ये सुना मैंने बाबा साहब के लिए तो मेरे से रहा नहीं गया है, क्योंकि हम दलितों में पहली बात तो किसी को निकलने नहीं देते थे महिलाओं को। अगर आज महिला निकल के आई है तो वो सबसे बड़ी बात है। और ये जो हमारे समाज के लोगों के साथ जो हो रहा है, इसको मैं कभी मतलब सोच के भी इसका मैं वो समर्थन नहीं कर सकती कि इतना गलत हो रहा है, जो कि हमारा जो हक था कानूनी वो भी छीना जा रहा है। तो आपको बाबा साहब को आपने कैसे पढ़ा, बाबा साहब के बारे में आपको किसने बताया कि बाबा साहब ने इतना काम करा, संविधान लिखा, कानून बनाया? बाबा साहब का तो गुणगान मैं जितना करूं उतना कम है, क्योंकि मेरे खून में ही बाबा साहब के लिए ही बताया गया है। मेरे खून के अंदर जी, मेरे दादाजी थे 105 साल के पूरे हुए थे, उन्होंने मुझे बाबा साहब के सारा इतिहास बताया कि उन्होंने कैसे संघर्ष करके हम लोगों को आज यहाँ तक पहुँचाया है। तो मैं बाबा साहब के लिए जो हमारे लिए लड़ाई लड़ी उनके लिए बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सुनीता जी, जब आप घर से निकलती हैं, आपने बताया कि मेरा पूरा परिवार है, क्या जब आप घर से निकल के जाती हैं समाज का काम करती हैं तो क्या आपके जो बच्चे हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके बहू हैं, आपको सहयोग किस प्रकार से करती हैं? नहीं, वो मेरे को उन्हें पता है कि मेरी मम्मी के अंदर ये सद्भावना है, तो इसलिए मेरे बच्चे भी मेरे को कोऑपरेट करते हैं, मेरे पति भी कोऑपरेट करते हैं कि समाज का काम करो। और बाबा साहब के लिए कभी भी मुझे कहीं समाज वालों को ज़रूरत है, मैं सबसे पहले वहाँ खड़ी होंगी और हमेशा ही सहयोग भी करूँगी और खड़ी भी रहूँगी। समाज के प्रति मेरे अंदर बहुत लगन है। लेकिन अभी आप चाहती हैं मैं समाज का काम करूँ, तो कुछ लोगों की एक इच्छा होती है कि हम राजनीति में रह के काम करें, कि बहुत सी आप जैसी महिलाएं हैं थोड़ा सा पढ़ लिख गई तो वो कांग्रेस में चली गई, बीजेपी में चली गई, जनता दल में चली गई, बसपा के अंदर चली गई, तो आप पार्टी में रह के काम करना पसंद करेंगे, समाज सेवी का बन के काम करते नहीं? देखो, राजनीति तो एक अलग मैटर होता है, मुद्दा अलग है राजनीति का, वो उसको मैं इतना नहीं करती, मगर मैं समाज के नाते सबसे पहले समाज के साथ खड़ी हूँ। राजनीति का इसमें कोई वो ही नहीं होता, बीजेपी कांग्रेस इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मेरा मैं काम करती हूँ राजनीति की, मगर इसमें कोई पार्टी पॉलिसी नहीं, सीधा बाबा साहब का काम है और बाबा साहब का नाम है, तो मैं बाबा साहब के साथ ही जुड़ी हुई हूँ, तो मैं इन्हीं का ही काम करूँगी। पार्टी से मुझे कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं पार्टी पॉलिटिशियन करूँ, मैं सामाजिक हूँ और सोशल एक्टिविटी में कहीं पार्टी पॉलिटिशियन नहीं आता है। मैडम, अभी जब से 21 तारीख को जो जजमेंट आया है, चार जो जजमेंट जो 21 तारीख को जो जजमेंट आया है उसके अंदर जो दो जो जज हैं उन्होंने जो एट्रोसिटी के मामले पे जो एक फैसला सुनाया है, पहले जो एक कवच था, चाहे उसमें एफआईआर होती थी या नहीं होती थी, उस कवच को इन लोगों ने ख़त्म कर दिया है। हाँ, ये तो बड़े दुख की बात है जो कि इन्होंने ये एकदम से जो ये फैसला करा है, क्योंकि हम लोग देखो शुरू से दलित रहे और हमारे समाज को बहुत पिछाड़ा जाता है। दिल्ली जैसी जगहों में ये चीज़ें नहीं लागू हैं, मगर आप गाँवों में जाके देखो हम लोगों की क्या हालत करते हैं। ये लोग हमारे साथ रहते हैं और हम ही को काटते हैं, हम इनके साथ बैठ के नहीं खा सकते, ये हमारे साथ नहीं खा सकते, हमको तो खिला लेंगे मगर हम इनको अपने घर बुलाते तो ये हमें खाने नहीं देते। और अगर हमारे साथ कोई हमारी महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है या कुछ होता है, हम अगर एक एफआईआर करवाते तो हमारी थोड़ी सुनी जाती थी, मगर आज इतना जो इनको डर था थोड़ा बहुत हम लोगों के साथ में, क्योंकि हमारा जो कानून इन्होंने झूठ बताया कि जाति एक्ट का जो प्रस्ताव जो ठुकरवाया है ये गलत किया, क्योंकि हम लोगों का थोड़ा सा वो सुरक्षा कवच था, क्योंकि हमारे साथ गलत होता था तो ये लोग डरते थे, मगर अब तो ये खुलेआम हमारे बच्चों पे, हमारी महिलाओं पे और हमारे समाज पे खुला अत्याचार करेंगे, और ये चीज़ तो बिल्कुल सहन नहीं करी जाएगी। और इसके लिए हमें जितना भी संघर्ष है करना है, आगे भी करेंगे और करते ही रहेंगे।
सुनीता जी आपने बहुत अच्छी बात बताई। सुनीता जी एक बात बड़ी विडंबना वाली बात है, बच्चे हम पैदा करें, बच्चे हमारे पैदा होते हैं, शादी हम करें, पैसा हम खर्च करें, लेकिन जब बच्चा पैदा होते हैं तो हम अपने बच्चों का खुद नाम नहीं रखते हैं, उनका नाम रखवाने के लिए भी हम उन्हीं मनीवादी लोगों के पास जाते हैं। हाँ जी, आते उनके पास? नहीं नहीं, मैं तो देखो समाज के लिए हमारे में मनुवादी कोई वो नहीं है, हम बोधजीवी हैं और बोधजीवी के हिसाब से ही अपना काम करते हैं। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा, जैसे आप पढ़ी लिखी हैं कि जहाँ बच्चे पैदा होते हैं और वो कहते भाई इनका सुधार कैसे होगा, जब ये अपने खुद बच्चों का नाम नहीं लिख सकते, अपने ब्याह नहीं छटवा सकते, अपनी शादी नहीं छटवा सकते, तो इनका उद्धार कैसे होगा? नहीं, मैं तो कहती हूँ कि इन लोगों को पूछना ही छोड़ दें और इनका तिरस्कार करें। देखो हम दलित हैं, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, हम शूद्र हो गए हैं, जो मांग मांग के खाने वाले वो ऊंची जाति कहलाते हैं और हम मेहनत का करके खाने वाले हम शूद्र कहलाते हैं। इसीलिए हम दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है ये सब एक सामाजिक कल्पना है, कि जबकि ऊपर से कोई नहीं आता, ये सब इंसान ने ही बाहर आके ये बना दिया है। लेकिन तो अधिकतर जो महिला हैं, जो आपने बोला दलित शब्द आप बार बार इस्तेमाल कर रही हैं, नहीं दलित शब्द का कहीं भी ना तो संविधान के अंदर नाम लिया जाता है, नहीं कहीं नाम लिया जाता है, या तो बहुजन कहते हैं या और कुछ कहते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अधिकतर जो महिला हैं अंधविश्वास में फंसी हैं, पाठ पूजा में ज़्यादा फंसी हुई हैं, जब तक आप हिंदू धर्म को मानोगे आपका उद्धार नहीं हो सकता। हाँ, इसीलिए मैं महिलाओं को अपने समाज की जो भी हैं बहुजन समाज की जो महिला, मैं उनको जागरूक करती हूँ कि देखो इनके आगे आप अपने घुटने नहीं टेको, आप अपने पे डिपेंड रहो आगे, नहीं तो हमारे बच्चे और हम ऐसे ही रह जाएंगे इनकी जो चापलूसी करते हुए। और ये चापलूसी अब हम बहुजन समाज के लोगों को छोड़नी है और संघर्ष करना है। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित संघर्ष करो, संगठित बनो, तो उसी नारे को लेते हुए हमें। सुनीता जी, जब आप घर से बाहर निकलती हैं, जब अपने लोगों के अंदर जाती हैं, तो आपको किन किन परेशानियों को सामना करना पड़ता है? मुझे बहुत, जैसे कि मैं समाज में पहली बार निकली, लोग कहते थे ये तो ऐसे घूम रही है या जो भी है, मतलब तरह तरह का वो, मगर आज मैं जब समाज के लिए काम कर रही हूँ तो मेरे लोगों में काफ़ी उत्साह और मेरे साथ कंधे से मिला के कंधा बहुत महिलाएं आज मेरे साथ हैं। लेकिन जब आप घरों के अंदर जाती हैं, महिला को कहती हैं कि आप पाठ पूजा छोड़ दो, देवी देवता को छोड़ दो, तो उनका आपके प्रति कैसा रिएक्शन रहता है? नहीं, थोड़ा पहले तो बुरा लगता है उनको, मगर बाद में जब मैं उन्हें समझाती हूँ तो उनकी समझ में आता है कि हाँ ये तो बिल्कुल सही है, हमारे साथ तो अत्याचार हो रहा है, हम इन्हीं के भगवानों को पूज रहे हैं और यही हमारे साथ इस तरह का धोखा करते रहते हैं कि हमारा देखो इन्होंने सारा हक भी छीन लिया। तो अभी देखो जल्दी में हमारे राष्ट्रपति कोविंद जी बने, ऐसी हैं, और ये सरकार जो आई है इसने क्या करा है कि बाबा साहब के जो संविधान था उसको सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर दिलवा के स्टैम्प कोविंद जी के लगवा दे और हमारा सारा अधिकार छीन लिया गया है। मतलब किसी भी तरीके से अटैक करना है, वो डायरेक्ट अटैक ना करके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अटैक करा रहे हैं। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। और आपके लिए आप क्या अपील करना चाहती हैं? बस मैं यही करना चाह रही हूँ, जो हमारे एससी एसटी लोगों के लिए जो सुविधाएं थी, जो हमारे पे लागू था, वो कानून हमारा दोबारा बनाया जाए और बस हमें इसी की मांग है और इसी की मांग करते रहेंगे, जब तक हमारा ये मांग पूरी नहीं होगी हम ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे।